नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। आप लोगों को स्वागत है क्रेजी फॉर बर्ड्स में। दोस्तों आज जून महीने का 14 तारीख है। मेरे बर्ड फार्म में मैं कुछ बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए नेस्ट दे दिया हूँ। हाँ दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी बरसात स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही मैं बर्ड फार्म में ब्रीडिंग के लिए नेस्ट लगा दिया। सभी बर्ड का जो मेडिसिनल कोर्स है वो भी कम्प्लीट कर दिया और जो केज है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। उसके साथ साथ नेस्ट भी आज लगा दिया मैं। अभी तो सिर्फ नेस्ट दिया हूँ, अभी हर हफ्ते आप लोगों से मैं शेयर करता जाऊँगा कि कैसे मेरे बर्ड फॉर्म में ब्रीडिंग का प्रोग्रेस चल रहा है। पिछले साल भी इसी सेम डेट पे मैं नेस्ट लगाया था और दिसंबर तक रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। मेरा जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है दोस्तों, मैं जून महीने के मिडिल से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक ब्रीड लेता हूँ, फिर उसको एक डेढ़ महीने के लिए रेस्ट देता हूँ टोटल बर्ड को, और उसके बाद फिर मैं जनवरी के अंत में फिर से नेस्ट लगाता हूँ और दो महीने उससे ब्रीड लेता हूँ और उसके बाद बर्ड को रेस्ट में डाल देता हूँ दोस्तों। तो इधर से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फुल ब्रीडिंग चलता है 5 महीने, उसके बाद डेढ़ महीना रेस्ट, उसके बाद फरवरी और मार्च, लगभग 7 महीने मैं अपने बर्ड से ब्रीड लेता हूँ और 5 महीने रेस्ट करने देता हूँ। तो ये जो न्यू बर्ड फार्म मैंने बनाया तो इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है, बर्ड बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी तरीके से आता है और जो लाइट है वो भी बहुत अच्छा आता है। इससे जो फार्म का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहता है। सुबह और शाम के टाइम में बर्ड फार्म में धूप आता है और दोपहर के टाइम में जब बहुत धूप आता है तो उस समय हवा भी चलता है, उससे गर्मी महसूस नहीं होता है बर्ड को। तो कुछ मेडिसिन जो मैंने इस साल यूज़ किया वो यहाँ पर रखा हुआ है केज के ऊपर, के लिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जो है कैल्डिसल डीसी है, ये 1 लीटर का डब्बा है। ये एम्बीप्लेक्स है, ये भी 1 लीटर का डब्बा है। यहाँ पर लिप 52 है, लीवर टॉनिक है, ये भी 1 लीटर का डब्बा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक एंटीबायोटिक है जो मेरी क्वीन नाम का आता है। यहाँ पर विटामिन ई है, यहाँ पर इविकॉन ई इसका नाम है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक जो डिवर्मिंग मेडिसिन है वो पाइपर वेट है। और इसके साथ साथ लीवर टॉनिक जो है बच्चों का लीवर के लिए जो अच्छा है वो है बॉनिसन। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चारकोल है, मैं बर्ड्स की ग्रीट के लिए ये लाया हूँ खरीद के दुकान से। तो बहुत यहाँ पर और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फिंच बर्ड यहाँ पर नेस्ट बनाया हुआ है, 6 अंडे देकर बैठा है। तो बहुत सारा फ्रेंड्स ऐसा सोचता है कि बर्ड को अगर ज़्यादा हवा लगे और ज़्यादातर बारिश के मौसम में जब ज़्यादा बारिश हो रहा हो तो टेम्परेचर अप डाउन की वजह से बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे बर्ड फार्म चारों तरफ से लगभग खुला हुआ है, हवा आ रहा है, बारिश की छींटे थोड़ा बहुत आता है और वेदर चेंज तो आप देख ही सकते हो, बाहर अभी क्लाउडी स्काई है और धूप भी नहीं है। तो ऐसे मौसम में ही मेरे बर्ड रहता है और ज़्यादा बीमारी कुछ नहीं होता है दोस्तों, यकीन मानो ज़्यादा बीमारी कुछ नहीं होता है। बर्ड को नेचुरली रहने देना ही अच्छा होता है। तो इस साल मैंने टोटल 200 पेयर ब्रीडिंग के लिए बैठाया। इसमें से जो सोसाइटी फिंच है, फिर बंगाली फिंच है, वो 150 पेयर है, और जो गोल्डियन वगैरह है उसके साथ स्टार फिंच, आउल फिंच, लॉन्ग टेल, फायर टेल या डायमंड स्पैरो, ये सब मिला के, कट थ्रोट, ये सब मिला के 50 पेयर है। उसके साथ साथ जेब्रा फिंच के कुछ म्यूटेशन से जहाँ पर वाइट ब्लैक चीक है, जंबो साइज़ का बर्ड है, तो ये सब मिला के भी 10-20 पेयर हो जाएगा। तो फार्म में केज के बाहर भी कुछ बर्ड छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो।
तो वहाँ पर भी जो बर्ड है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया है, बच्चा निकलना भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर बनाऊंगा कि बाहर जो बर्ड है वो कैसा है और कैसे वो अंडा बच्चा कर रहा है, ये भी मैं शेयर करूंगा दोस्तों। अभी जो बर्ड मैंने नेस्ट दिया, जो पुराना जो बर्ड है जो पिछले साल ब्रीड किया, सभी बर्ड लगभग नेस्ट ले लिया है और मेल फीमेल जो है दोनों ही नेस्ट के अंदर घुस के नेस्ट को ठीक कर रहा है। आई होप कि एक हफ्ते के अंदर ही ये बर्ड सब अंडा देना स्टार्ट कर देगा। जो बर्ड का जो मेडिसिनल कोर्स है दोस्तों, वो मैं स्टार्ट करता हूँ लगभग 1 महीने पहले, नेस्ट देने से 1 महीने पहले। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आप लोग भी इसे घर में अप्लाई कर पाए अपने बर्ड के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।